हाय फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन। फ्रेंड्स, लास्ट की वीडियो हमने देखा था लोन टेकन फ्रॉम ए बैंक की एंट्री। अब हम जो लोन है उसको हम पेमेंट करेंगे। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, नोट डाउन व्हेन एनी फ्रॉम पेड द फॉलोइंग एंट्री नीड्स टू बी पास। बैंक लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से हमको डेबिट किया है वो है हमारा पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट जो डेबिट किए हैं वो है नॉमिनल अकाउंट, एंड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारा पर्सनल अकाउंट, अब दोनों ही बैंक अकाउंट हैं। फ्रेंड्स, हमने जब लोन लिया था हमारी करंट डायरेक्टरी बड़ी थी, अब जब हम लोन की पेमेंट करेंगे तो हमारी करंट डायरेक्टरी हमारी कम होगी, इसलिए हमने इसे डेबिट किया है। जो हमारी कंपनी का बैंक है जब वो हमारी पेमेंट करेगा, हम जब लोन की पेमेंट करेंगे हमारी एसेट्स कम होगी, इसलिए हमने इसे डेबिट किया है। इंटरेस्ट एक्सपेंसिस ये हमारा खर्चा है, इसलिए हमने इसे डेबिट किया। अब है इंटरेस्ट के अमाउंट कहाँ से मिलेंगे। हम जब बैंक किसी बैंक से लोन सेंक्शन करवाते हैं तो हमें इसमें शेड्यूल मिलता है। शेड्यूल कह सकते हैं या आप उसे रिपेमेंट कह सकते हैं। उसमें आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट मिलती है। जो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट है उसी में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों होते हैं। जो प्रिंसिपल के अमाउंट है वो आपके बैंक लोन अकाउंट में जाएगी, और जो इंटरेस्ट के अमाउंट है वो इंटरेस्ट एक्सपेंसिस में जाएगी। आई होप फ्रेंड्स, आपको एंट्री क्लियर हो गई होगी। लोन टेकन फ्रॉम माई बैंक लास्ट वीडियो में क्लियर हो गई थी। लोन की इंस्टॉलमेंट है जो पे की जाती है वो हम किस हिसाब से पे करते हैं, हम डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट क्यों करते हैं, ये भी फ्रेंड्स क्लेरिफाई हो गया। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं।